सो गाइस, ये चल रहा है कंस्ट्रक्शन का कार्य, और आप लोगों को पिछली वीडियो में दिखाया गया था। ये है देहरादून से और दिल्ली तक के लिए फ्लाईओवर बन रखा है। सो गाइस, ये बन रहा है देहरादून से दिल्ली के लिए हाईवे 4 लाइन, और आप लोगों को पिछली वीडियो में भी दिखाया गया था, आप देख सकते हैं। और आप लोगों को बता दें कि इसमें काफ़ी पेड़ों का नुकसान हुआ है, पेड़ों की कटाई हुई है और पहाड़ भी कटे काफ़ी, यानी वातावरण को इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है। और आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी है ये जो 4 लाइन है, और अभी तैयारी चल रही है और 2-3 साल इसमें लग जाएंगे बनने। काफ़ी भारी मात्रा में पेड़ों की कटाई हुई है और पहाड़ भी काफ़ी कटे हैं, आप देख सकते हो। इससे एक फ़ायदा तो ये होगा कि जैसे पहाड़ों में ट्रैफिक लगता है 2-3 घंटे और आधा घंटा कम से कम लग जाता है, तो इससे ट्रैफिक का निजात मिलेगा, और जिसको दिल्ली जाना हो जल्दी से वो दिल्ली भी जा सकते हैं 2-3 घंटे के अंदर। सो गाइस, देख सकते हैं आप लोग कितनी पहाड़ों की कटाई करी है। आप लोग यहाँ पर अभी पिलर खड़े किए गए हैं और इन पर एक फ्लाईओवर बनेगा कुछ दिनों में, सालों में। गाइस, देख सकते हैं आप लोग काफ़ी बड़ा पिलर है ये, और बरसात भी यहाँ देहरादून में शुरू हो चुकी है, और बरसात की वजह से मेरे ख्याल से ये काम रुक जाएगा और यहाँ पर काफ़ी पानी भर जाएगा। और ये जो है नदी है, और नदी के बीच में इस फ्लाईओवर को बनाया जा रहा है। सो गाइस, ये काफ़ी बड़ी नदी है, और जो इस फ्लाईओवर को नदी के बीचों बीच बनाया जा रहा है, और ये जो नदियाँ यूपी में होके जाती है यहाँ से। सो आप लोग देख सकते हैं, और जो दिल्ली का 2-3 घंटे का रास्ता बन जाएगा अब यहाँ से, जब ये 4 लाइन बन जाएगी, और इसका बस कार्य चल ही रहा है, कंस्ट्रक्शन का कार्य। सो गाइस, ये ही वो नदी है जिसमें 4 लाइन बनेगा दिल्ली से देहरादून के लिए। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी नदी है ये, और इसमें जो है भी खुदाई का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी बजरी पड़ी है, और ये भी बरसातें देहरादून में शुरू नहीं हुई, इस वजह से भी ये सूखी पड़ी है, और कुछ दिनों में यहाँ बरसातें शुरू हो जाएगी तो इस नदी में काफ़ी पानी आ जाएगा। सो गाइस, आप देख सकते हैं कैसे पहाड़ों की कटाई की जा रही है मशीनों के ज़रिए, और काफ़ी भारी मात्रा में पहाड़ों की कटाई हुई है। आप काफ़ी बड़ी बड़ी जो चट्टानें काटी गई है, और इसको काटकर 4 लाइन बनाई जाएगी, पहाड़ी को काटकर रास्ता बनाया जा रहा है 4 लाइन के। देख सकते हैं गाइस आप लोग, बहुत बड़ी पहाड़ी है ये, और इसको काटकर 4 लाइन तैयार की जा रही है। गाइस, देख सकते हैं आप लोग कितनी बड़ी पहाड़ी काटकर इस रास्ते को बनाया जा रहा है, और इस सुरंग को भी ऐसे ही बड़ी पहाड़ी काट कर बनाया गया था अंदर ही अंदर, आप देख सकते हैं। गाइस, जंगलों की भी काफ़ी कटाई हुई है, आप देख सकते हैं जो है पूरा जंगल काट दिया गया है। यहाँ पर पहले कभी काफ़ी पेड़ हुआ करते थे, और अब ये सब काट दिए। गाइस, आपको बता देते हैं कि ये जो सामने घर है आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये भी इसमें आ रहे हैं रास्ते में, तो आने वाले टाइम में इन घर को भी तोड़ा जाएगा, आप देख सकते हो। और काफ़ी जंगल का नुकसान हुआ है। वन विश्राम भवन आसरोड़ी राजा जी टाइगर रिजर्व देहरादून उत्तराखंड। कैसे जंगल को काटकर और यहाँ पर 4 लाइन बनाई जाएगी। काफ़ी पेड़ थे यहाँ पर जिनको काट दिया गया है, और इससे एक नुकसान तो हुआ है कि जो वातावरण का है वो चेंजिंग हो गई है यहाँ पर काफ़ी, क्योंकि जब इस एरिया में अंदर गाड़ी अंदर घुसती थी तो घुसते ही ठंड एकदम ऐसे लगता है जैसे एसी चलने लगी हो, और काफ़ी ठंडा महसूस होता था, तो आजकल के टाइम में वो चीज़ नहीं रही। गाइस, आप लोगों को बता दी कि यहाँ पर कम से कम लाखों पेड़ काटे गए होंगे, और ये वृक्ष ऐसे पेड़ है कि जो अपने आप उगते हैं, इनका कोई रोपण नहीं होता, और ये पहाड़ी एरिया में अपने आप उगते हैं, और इसकी जो जिम्मेवारी है सारी FRI को दी गई है। FRI इसकी देखरेख करेगी, और जब ये 4 लाइन बन जाएगा तो यहाँ पर पौधा रोपण करेगी,
क्योंकि ये चीज़ें जो है ये पेड़ नर्सरी में नहीं उगते, ये पहाड़ों में अपने आप उगते हैं। इस फोर लाइन की वजह से और एक यहाँ की जो शान शौकत है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। और हो क्या जाएगी, हो गई है, आप खुद ही देख सकते हो कितने पेड़ काट दिए गए हैं। और यहाँ पर क्या अभी हरियाली होती थी और यहाँ का वातावरण हमेशा ठंडा रहता था, आजकल के टाइम में नहीं, क्योंकि आजकल यहाँ पर गर्मी काफ़ी रहती है और यहाँ के मौसम में भी काफ़ी बदलाव आया है। आप देख सकते हो गाइस, ये जो इतने पेड़ काटे गए और ये पहाड़ी भी कट कर तब बनेगा ये। सो गाइस, आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें देहरादून वालों को क्या सुविधा होगी और पेड़ काट कर क्या फ़ायदा हुआ है और क्या नुकसान हुआ है। गाइस, आप देख ही सकते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े चीड़ के पेड़ थे ये और आप इनकी जड़ें देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी जड़ें हैं और ये जंगल काफ़ी यहाँ तक था, आप देख सकते हैं रोड से, और ये पीछे चला गया सारा जंगल और ये पूरी पहाड़ी काट कर इस फोर लाइन को बनाया जाएगा, आप देख सकते हो गाइस। गाइस, आप देख सकते हो यहाँ से काफ़ी पहाड़ काट दिया गया है और ये डाल रखे हैं पिल्लर यहाँ पर फ्लाईओवर के लिए सरिये। गाइस, इतनी तो पहाड़ी काट दी गई है और इतना आधा रास्ता कंप्लीट कर दिया गया है, आप देख सकते हो गाइस, काफ़ी यहाँ तक पेड़ थे और काफ़ी पेड़ काट दिए गए इसमें। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये सामान है जो फ्लाईओवर के लिए यहाँ पर रखा गया है, देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी हद तक कार्य हो चुका है और शुरुआत भी हो चुकी है शुरू और ये कार्य